मकर संक्रांति को लेकर पुलिस सहित इंदौर रेलवे विभाग भी मुस्तैद नजर आ रही है, जिसके चलते अनाउंसमेंट कर रेलवे ट्रैक के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि रेलवे लाइनों के ऊपर पटरियों के आसपास 25,000 वाल्ट के ओवरहेड तार लगे हुए रहते हैं। मकर संक्रांति के दौरान लोगों द्वारा पतंग उड़ाने पर कई बार मेटलिक धातु का धागा होने के कारण झटका या बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में रेलवे विभाग द्वारा अनाउंसमेंट कर रेलवे ट्रैक पर पतंग नहीं उड़ाने की अपील की जा रही है। कुछ छुट्टी है तो उससे करंट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। रेलवे ट्रैक पर आप तेज गति से दौड़ती ट्रेन से दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। रेलवे ट्रैक से रही दूर पतंगबाजी का मजा। कृपया ध्यान दें, रेलवे की ओवरहेड पावर लाइनों में 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। अगर आप रेलवे की पावर लाइनों के आसपास पतंग उड़ाते हैं या उलझे पतंगों को निकालते हैं तो आपको करंट का झटका लग सकता है। मेटलिक मांझे की डोर से पतंग जब ट्रैक पर लगी बिजली की तारों को छूती है तो उससे करंट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। रेलवे ट्रैक पर आप तेज गति से दौड़ती ट्रेन से दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। रेलवे ट्रैक से रही दूर पतंगबाजी का मजा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे लाइन के ऊपर 25,000 वोल्ट के हेड तार लगे हुए हैं। यह देखने में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए मेटलिक धागे का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण रेलवे लाइन के समीप पतंग उड़ाने से जानलेवा झटका लग सकता है। सर्वसाधारण से अनुरोध है कि रेलवे लाइन के पास पतंग नहीं उड़ाएं। देखिए, पटरियों के आसपास हमारे जो 25,000 बोल्ट की जो हेड ओवर इक्विपमेंट बोलते हैं वो लगे रहते हैं, तो इसलिए क्या है कि जो मेटेलिक धागा है वो उस पर जो ट्रैक के आसपास ना पतंग उड़ाएं, क्योंकि पतंग उड़ने से किसी को झटका भी लग सकता है तो उसकी हानि हो सकती है। इसलिए हमारा यह है कि हम लोग सभी को अवेयर कर रहे हैं कि ट्रैक के आसपास पतंग ना उड़ाए, क्योंकि मेटेलिक धागे से किसी को करंट जोखिम आ सकता है। तो इस वजह से हम लोग सभी को एक अपील करते हैं कि रेल के ट्रैक के आसपास ये पतंगे ना उड़ाएं। सर, ट्रैक के पास में कुछ मकान भी है तो क्या रेलवे की तरफ से कोई? देखिए, ट्रैक के आसपास तो बहुत सारी आवासी रहती है, रेजिडेंसी भी है आसपास में, तो इसीलिए हम लोग उन्हीं को लिए सचेत करते हैं कि इस तरह की जो पतंगे उड़ाते हैं मेटेलिक धागे की, वो हमारे उसमें जो ओवरहेड इक्विपमेंट जो हमारी वो होती है उसमें अटक जाता है, तो 25,000 वोल्ट से ऊपर का उसमें करंट होता है तो ये एक जानलेवा हो सकता है। सर, ऐसे हादसों को रोकने के लिए और भी किसी तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरे मीडिया के थ्रू, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक तो है ही और दूसरे न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम लोग ये कर रहे हैं, और बीच बीच में हम लोग जो आसपास के एरिया के क्षेत्र में RPF को भी हमने अलर्ट कर दिया गया है, तो ताकि वो उन लोगों को फाइंड देखिए माइक के थ्रू भी आसपास जो पटरे रेजिडेंसी एरिया है उन पे भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि RPF के जो लोग हैं उनको अवेयर करें कि लोगों को बताए समझाए, तो मीडिया के थ्रू तो ये चीज़ें जा ही रही है। हाँ, अनाउंसमेंट सिस्टम जो माइक सिस्टम होता है उससे हम लोग स्टेशन पे भी अनाउंस कर रहे हैं ताकि यहाँ के पैसेंजर और ये जो भी पब्लिक है उनको पता चले कि इस तरह की जो वारदात हो जाते हैं तो ये नुकसानदायक रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।